आप सभी को क्रिसमस की और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी हैप्पी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जब मैं हैप्पी क्रिसमस आपको कहता हूं तो आई रियली मीन इट। और प्रभु यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर जब हम बाइबल पढ़ते हैं तब हम पाते हैं कि वो गडरिये लोग, स्वर्गदूत लोग गडरियों के पास आके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूं, बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, शुभ समाचार। आज दुनिया में चाहे आप टीवी देख लीजिए, समाचार पत्र देख लीजिए, या घर में, आस पड़ोस में, शहर में, कहीं भी आपको कोई भी खुशखबरी नहीं मिलेगी, सुसमाचार सुनने को या देखने को नहीं मिलेगा। जब यह दुनिया इसमें जब पाप बढ़ रहे थे, हम हमारी पहुंच परमेश्वर तक नहीं थी, तब परमेश्वर ने देखा और ये निर्णय लिया कि वो इस जगत में मनुष्य का रूप लेकर के आएंगे। तो स्वर्गदूतों ने उन गडरियों को आज से 2021 साल पहले जब से ये कैलेंडर शुरू हुआ, जब से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब से ये कैलेंडर हुआ, तो आकर कहने लगे मैं तुम्हें बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। बड़े आनंद का समाचार क्या है मेरे भाइयों और बहनों? बड़े आनंद का समाचार यही है कि यीशु मसीह हमारे लिए पैदा हुआ। यीशु शब्द का अर्थ है उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता। उद्धारकर्ता किससे? हमारे पाप से ही नहीं, हमारे दुख से ही नहीं, हमारी जो भी जीवन की वर्तमान की जो भी समस्या है उन सब से हमें मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आज भी आप इजराइल देश में जाते हैं, आज भी उनकी कब्र खाली है। वो इस दुनिया में अपना बलिदान देने के लिए आए, वो हमारे पापों के पश्चाताप प्रायश्चित के लिए अपना बलिदान देने के लिए आए। अब हमें कोई भी बलि देने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से हम बाइबल में पढ़ते हैं उससे ज्यादा ये हिस्टोरिक प्रूफ, ये ऐतिहासिक और सच्ची घटना है।